आज मैं आपको बता रही हूँ प्याज का पराठा, ऑनियन पराठा, कांदा पराठा। इसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल में ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी अजवाइन, और इसको अच्छे इसे भून लेंगे थोड़ा सा अरोमा आने तक, इसमें अजवाइन की जो खुशबू आने लगे। फिर थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये 8 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, जिनको हम इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 30-40 सेकंड तक मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च अकॉर्डिंग टेस्ट, धनिया पाउडर। अगर आप इसे वाइट चाहते हैं, हल्दी नहीं ऐड करना चाहते, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार, और इसको हाई फ्लेम पर ही हम कुक करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस भूनने में 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम इसको। अभी सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। प्याज के पराठे हमेशा फट जाते हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेसन, जिससे हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। बेसन डालने के बाद 30 सेकंड भूनेंगे हम इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा ही डालेंगे, जब नमक डाला है हमने उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करते हुए डालेंगे उसको। थोड़ा हरा धनिया, अगर चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हमारी प्याज रेडी है, इतनी ठंडी होती है, हम इसके साथ चटनी बनाते हैं। ये मैंने लिया है हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते। इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक, अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और कैरी, अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। एक ग्राइंडर में डाल के उसको हम पीस लेंगे। थोड़ा नमक स्वादानुसार। हमारी चटनी रेडी है अभी। ये मैंने डो लिया है, सिंपल डो जो आप रोटी के लिए बनाते हैं, बस हमें सॉफ्ट रखना है, क्योंकि अगर हमारा आटा हार्ड होगा तो पराठा फट जाएगा। किसी भी पराठे के लिए हमको थोड़ा सॉफ्ट डो चाहिए होता है, स्पेशली मूली और प्याज के पराठे के लिए। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। हम थोड़ा सा आटा लेंगे, उसका रोल बनाएंगे। आटे का लोई का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको थोड़ा रोल करेंगे। अब हम इसमें जो हमने प्याज की फिलिंग बनाई है वो रखेंगे, और अब इसको इस तरह से बंद करेंगे। देखिए, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। इसमें हम बेलन का यूज़ नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे पराठे को। अगर हम अभी इसका बेलन का यूज़ करेंगे तो ये फट जाएगा पराठा, इसलिए हम फिंगर टिप्स से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम बेलन यूज़ करेंगे इसमें। अगर डो थोड़ा भी हार्ड हुआ तो ये डेफिनेटली फट जाएगा। हल्के हाथ से हम बेलन का यूज़ करेंगे। अब जो इस पर एक्सेस आटा है उसको हम इस तरह से झाड़ देंगे सब, और हम इसे अब सेकेंगे। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसे गैस पे हल्का हल्का कलर आने लगा है। अगर इस पे नीचे एक्स्ट्रा आटा दिख रहा है, ड्राई आटा, तो हम उसे एक कपड़े से या एक टिश्यू पेपर से उसको हटा देंगे, नहीं तो हमारे पराठा ब्लैक ब्लैक दिखेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो आटा जो है ड्राई, वो जल जाएगा। अब मैं इस पे थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। आप ऑयल, देसी घी, बटर किसी में भी पराठे को बना सकते हैं।
इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लेंगे। इतने सिक रहा है, हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। ये एक मैं बता रही हूँ दूसरे तरीके से, अगर पराठा बनाने में थोड़ा टफ होता है तो हम दो छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे सेम साइज की। पहले हम एक बेल के रखेंगे अलग, हम दूसरा वाला रोल लेंगे उसको फिर से बेलेंगे रोटी के जितना, थोड़ा छोटा साइज रोटी से। आप देख सकते हैं मेरा आटा किस तरह से पतला है, बहुत हार्ड नहीं है डो उसका। हमने जो फिलिंग बनाई थी ऑनियन वाली, वो इस पर स्प्रेड करेंगे, एकदम किनारे पे नहीं करेंगे, किनारे छोड़ते हुए उसके बाकी सारे में इसको फैलाएंगे। और ये नॉर्मल आटा है जो आप घर पे बनाते हैं सिंपल, इसमें नमक डाला और पानी से इसका डो लगाया है, बाकी कुछ नहीं ऐड किया। अब हल्का हल्का प्रेस करेंगे किनारों पे ताकि ये जो ऑनियन की फिलिंग है वो बाहर ना आए। अब थोड़ा सा हम ड्राई आटा लगाएंगे और इसको रोल करेंगे, हल्के हाथ से इसको हम रोल करेंगे। देखिए कितने अच्छे से बेला है और ना ही कहीं से फिलिंग बाहर आई है। ऑनियन में जो मसाले डाले हैं आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा। हमारा ये पराठा भी सिक गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। अब दूसरा पराठा जो हमने दो रोटियों से बनाया है वो सेकते हैं। हम दूसरे पराठे को भी इसी तरह से सेक लेंगे। और अगर आपको पराठा क्रिस्पी खाना है तो इसे लो फ्लेम पर सेकें। कभी कभी क्या होता है पराठे के किनारे जो होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं, अच्छे से सिकते नहीं। इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको क्रिस्पी कर सकते हैं। हल्के से प्रेस करते हुए इसके किनारे हम अच्छे से सेक लेंगे। प्याज के पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी। देखिए कितने अच्छे से सिके हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इन पर। आप इसे किसी तरह से भी खा सकते हैं, चटनी के साथ, दही के साथ। मैं आज चटनी और सॉस के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। देखिए दोनों पराठे कितने अच्छी लेयर हैं, अलग अलग हुई हैं। ये जो मैंने रोटी बनाई थी दो अलग अलग, और वो जो फिलिंग भर के मैंने बनाया था पहले में वो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।